सर्वशचाहं हृदि सन्नविष्टो सर्वशचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहणं च मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहणं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान् कृतवेद विदेव चाहम् वेदान्त कृतवेद वितेव चाहम् सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहणं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान् कृतवेद विदेव चाहम् सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त कृतवेद वितेव चाहम् ओके वज़ू माता जी आप पढ़ना चाहेंगी याद हुआ क्या सर्वशेचाहं हदिशनिवृष्टो मतः समृत्य ज्ञानं पोहनं च ठीक है मैं दूसरे खुशबू माता जी को बोल रहा था शायद से आप वो यहाँ पे नहीं है आपका भी नाम खुशबू है आई वाज नॉट ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं तो भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतलब सभी के मैं एक बार खाली बस रिपीट कर दे रहा हूँ क्या कह रहे हैं कौन बोल रहे हैं श्लोक भगवान क्लास नहीं आएंगे तो समझ में आएगा क्या इतना पढ़ते हैं आप दिन भर क्लास नहीं सुन सकते घंटे का सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो सभी के हृदय में मैं ही हूँ बिल्कुल उनके पास कौन बोल रहे हैं भगवान कौन बोल रहे हैं यस मक्ता स्मृति ज्ञानम अपोहणम च मतलब मुझसे ही स्मृति आती है क्या आती है और अपोहणम च मतलब भूलता भी हूँ विस्मृति भी कौन कराता है मैं ही कराता हूँ वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो और क्या कह रहे हैं सारे वेदों से मुझको ही जाना जाना चाहिए किनको भगवान को वेदों का पढ़ने का उद्देश्य क्या है भगवान को जानना ठीक है और यह वेद जानने के लिए भगवान क्या किए लोगों को जनाने के लिए तो कह रहे हैं व्यास देव बना और वेदांकृत वेद विदेव चाहम वेदांत की रचना की क्या रचना की वेदांत की रचना करी और वे मैं ही वेदों का जानने वाला ठीक है ओके सो गीता भूषण टीका कंप्लीट हो गया था थोड़ा सा मैं अंतिम में कुछ चर्चा करना चाहूंगा थोड़ा सा हल्का यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्री बदरायन के रूप में मैं मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ क्योंकि केवल वेद पढ़कर व्यक्ति भगवान के संबंध में वास्तविक सत्य को नहीं समझ सकता है श्री बदरायन के रूप में मतलब समझ रहे वेद व्यास जी के रूप में है ना वेद व्यास जी के रूप में मैं मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ वो कैसे क्योंकि व्यास देव जी समझ रहे हैं कि वेद पढ़ेगा भगवान व्यास देव जी के रूप में आते हैं और वेद लिखते हैं अब देखिए व्यास देव जी समझ रहे हैं कि वेद पढ़ेगा तो कर्मकांड में फंस जाएगा अतः उसको वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किए उसके बाद भी तृप्त नहीं हुए तब जाकर के भागवत की रचना किए और खुद लिखे क्या लिखे महामुनि कृते क्या लिखे श्रीमद भागवतम लिखने के बाद महामुनि कृतवे किमवा परेश्वर कह रहे हैं कि स्वयं भगवान व्यास देव के रूप में आए और श्रीमद भागवत की रचना करी और खुद ही कह रहे हैं तुम्हें और कोई शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है किम वह परेश्वर और पढ़ने की क्या आवश्यकता है क्यों तो कह रहे हैं सदयो देखिए सदयो हृदय हृदय वरुध्यते त्रकृत भी श्रीमद भागवतम का दूसरा श्लोक ही है स्टार्टिंग का दूसरा ही श्लोक
क्योंकि जो भागवत है, जब मैं भागवत लिख दिया तो अन्य श्लोक को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, अन्य शास्त्रों को पढ़ने की इस पर आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वह उस भक्त के हृदय में तुरंत ग्रसित हो जाते हैं, ग्राह्य हो जाते हैं, जिसने भागवतम को सुनने की इच्छा भी करी है। केवल इच्छा करी तो भगवान उसके हृदय में क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। अब अगर आप सुन रहे हैं डेली, तब तो फिर कहना ही क्या, समझ रहे ना? इसलिए डेली सुनना चाहिए, डेली सुनना बहुत जरूरी है, तब समझ में आएगा वास्तव में। ठीक है, जिसने सुनने की इच्छा करी तुरंत भगवान आ जाते हैं उसके हृदय, भगवान के प्रति हृदय में तुरंत प्रेम जागृत हो जाता है, समझ रहे ना? तो केवल श्रीमद् भगवद गीता क्या पढ़ने से, हरि बोल, श्रीमद् भगवद गीता क्या पढ़ने से, बोलो श्रीमद्, जोर से बोलिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ही, सुनने से ही उसके द्वारा हम भगवान को समझ जाए। ये आपका ही आंसर है। प्रियेश प्रभु ने कल ये प्रश्न किया था ना कि प्रभु जी हमें भगवान को समझने के लिए वेद की पढ़ने की आवश्यकता है क्या? नो नीड। यहाँ पे कह रहे हैं किमवा परेश्वर, क्या पढ़ने की आवश्यकता है, जब मैंने लिख दिया है क्यों, सदयो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृति भी, जिसने थोड़ी सी भी भागवत सुनने की इच्छा कर दी उसके हृदय में भगवान ग्राह्य हो जाए। ठीक है, अब उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल श्रीमद् भगवद गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़े, बस सुने और उसके द्वारा भगवान को समझे। यानी कि वो नहीं है सही, हर्षप्रो ये ले लीजिए आप, इधर बैठ। यानी कि यानी कि हम अगर वेद पढ़ने के चक्कर में फंस गए तो हो सकता है कि हम ज्ञान कांड में फंस जाएंगे, हो सकता है हम कर्म कांड में फंस जाएंगे। जैसे प्रभु जी उदाहरण देते हैं, हमारे जो प्रभु जी हैं, एक बार वह बुक वितरण कर रहे थे कानपुर में, तो अपने ही मोहल्ले में कर रहे थे, तो सडनली वह एक व्यक्ति से मिले और उनको कृष्णा बुक दे रहे थे। कृष्णा बुक देते हुए उन्होंने बुक तो लिया, लेकिन कहते हैं बेटा तू अभी जहाँ है ना, मैं वहाँ बहुत पहले ही निकल चुका हूँ, मैंने सारे वेद पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए, तू उपनिषद का एक एक मंत्र पूछ ले मैं बता दूंगा। प्रभु जी उनसे पूछे कली संतरण उपनिषद पढ़ा है आपने, बोले हाँ पढ़ा है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सीखा अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि इतना सब पढ़ने के बाद भी व्यक्ति को पता नहीं होता है, कि ऐसे व्यक्ति से पूछ लो कि साधन साध क्या है तो नहीं पता है। तो समझ रहे कैसे मुक्त करते हैं भगवान, वेद दे करके, वेद दे करके, भागवतम गीता दे करके, इसको पढ़ करके जीव अपने को समझ सकता है ना, भगवान से अपने संबंध को समझ सकता है, और तब जाकर के फिर वह मुक्त। ठीक है, यस प्रभु, तात्पर्य पढ़िए, समझ रहे ना? इसीलिए वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद व्यास लिख रहे किमुवा परेश्वर, आगे पढ़ने की क्या आवश्यकता, जब मैंने भागवतम लिख दिया है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भागवतम सुनने की इच्छा मात्र कर लेता है, क्या कर लेता है, जो व्यक्ति भागवतम सुनने की केवल इच्छा मात्र कर लेता है, उसके हृदय में कौन आ जाते हैं? भगवान आ जाते हैं, भगवान ग्राह्य हो जाते हैं। यस प्रभु, ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। Yes, बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए कि अगर याद होता कि हम पिछले जन्म में लड़की थे तो या पुरुष थे, सोचिए आप लोग अगर आप पुरुष होते तो है? ऑब्वियसली पुरुष ही होंगे तो इस जन्म में माता जी हैं। क्यों? क्योंकि या तो पुत्र का या फिर पति का स्मरण करते हुए शरीर त्यागा होगा तो इस जन्म में स्त्री है, समझ रहे ना? तो अब सोचिए अगर भगवान इसका विमोहन ना करावे, विस्मृति नहीं करावे, कितना मुश्किल हो जाएगा ना काम करना। पहले
स्त्री था अब पुरुष बन गया, अब मैं कैसे काम करूं, समझ रहे हैं? भूलना क्यों जरूरी है, समझ रहे हैं ना? नहीं तो फिर दोनों दो आइडेंटिफिकेशन लेकर के कैसे व्यक्ति जिएगा? जैसे उनकी कथा आती है, सुद्युम्न की कथा आती है, तो सुद्युम्न इलाव्रत से जा रहा था और वह स्त्री बन गया, क्योंकि उस जंगल को श्राप था भोलेनाथ का, तो जो जंगल क्रॉस करेगा वह क्या बन जाएगा, स्त्री बन जाएगा। अब भोलेनाथ की कृपा से फिर वह एक महीना स्त्री एक महीना पुरुष रहता था, तो उसके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब अगर हमें खाली आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि भाई हम पिछले जन्म में क्या थे, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये भूलना क्यों जरूरी है? कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम लोग भूलते क्यों नहीं है। अब मान लीजिए पिछले जन्म में आप करोड़पति भी थे, अब इस जन्म में रोडपति है, तब भी भूलना मुश्किल हो जाएगा ना, कितना मुश्किल हो जाएगा जीना। अरे कितना पैसा था चला जाएगा। और आपने देखा होगा कि जीवन में हमें कभी कभी बहुत दुख भोगना पड़ता है कि नहीं? लेकिन कालांतर में हम उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं, काल कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। अच्छा है ना, नहीं भूलेंगे तो कैसे होगा। इस संबंध में एक बहुत सुंदर कथा मुझे एक भक्त से सुनी थी कि एक बार नारद जी अपने एक स्टूडेंट के साथ जा रहे थे, और जा रहे थे जाते जाते उन्होंने देखा कि एक बकरा, बकरा होता है ना, वो एक मार्केट से जा रहे थे, एक बाजार से जा रहे थे। तो अब बाजार में तो बहुत सारी दुकान होती है, तो एक बकरा एक जनरल स्टोर होता है ना, जहाँ पे खली वगैरह भी मिलता है, तो उसकी दुकान में गया और उसने एक मुँह खली खा लिया, एक बार पूरा मुँह खली में डाला और खा लिया, और दुकानदार बैठे बैठे बकरे के मुँह माथे पे धड़ाम करके एक डंडा मारा। अब नारद जी हंसने लगे, जब नारद जी हंसने लगे तो उनके स्टूडेंट्स पूछने कि महाराज आप क्यों हंस रहे हैं, उसे मार पड़ रहा है उस जीव को और आप हंस रहे हैं। तो नारद जी बोल रहे हैं, मैं देखो मैं देख पा रहा हूँ कि यह बकरा है कौन, यह बकरा पूर्व जन्म में इसका पुत्र था और एक्सीडेंट वश वह मारा गया। अब देखिए आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे अपने रिलेटिव्स होते हैं वही हमारे आसपास होते हैं, है ना, ये जो जीव जंतु देख रहे हैं ना वो हमारे अपने रिलेटिव्स ही होते हैं, है ना। अब वह बकरा जो उनका बेटा था, अब उसे वहां पे थोड़ा बहुत याद था, और वह ये सोच करके कि ये तो मेरा ही दुकान है, यह सोच करके उसने वहां पे खा लिया, तो उसके पिताजी को एक खली भी उसका खाना हजम नहीं हुआ, और जब वह जिंदा था तो पूरी दुकान उसके नाम कर दिया, है ना, देख रहे। इसलिए भूलना बहुत जरूरी है, नहीं तो अभी आप याद रहता, अरे मैं उसके इधर पैदा हुआ था, उधर जाएंगे तो रखने देगा आपको, भगाओ इसको यहां से, कौन आ गया, समझ रहे हैं ना। इसलिए भूलना बहुत जरूरी है, और कभी कभी कुछ लोग पूर्व जन्म याद भी रहता है तो भी भगवान व्यवस्था करते हैं तो जरूरी होती है। अब एक रोचक बात यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगा और इस जीवन में पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी, देखो मैं कितना चालाक हूं, होते ना बहुत लोग मर्डर कर लियो नहीं कर पाया, देखो डॉन बन के घूम रहे, समझ रहे ना कितना चतुर हूं। तो बेटा तू चतुर नहीं है, यहां से तो पुलिस से तो बच गया, लेकिन भगवान, भगवान से नहीं, भगवान अंदर बैठे हैं और सारी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, और फिर उसके अनुसार व्यक्ति को सजा दिया जाता है। अब देखिए और एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मंदिर में गलत कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान के जहाँ कार्य हो रहे हो, जो प्रीचिंग सेंटर्स हैं, जो सेंटर्स हैं, अथवा भगवान का मंदिर है, वहां पे कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अब घटना एक बताता हूँ आपको, वृंदावन में एक भक्त थे जो चोरी किया करते थे, बहुत पैसे चुराए उसने मंदिर के, बहुत पैसे चुराए। अब भक्तों को पता चल गया तो भक्त लोग तो बड़े सहज स्वभाव के होते हैं, उन्होंने पुलिस वुलिस को नहीं बुलाया, बस उनको निकाल दिया मंदिर से, वह निकल गए, पैसे तो बहुत चुराए थे। अब क्या हुए, कुछ दिन के बाद उसके घर में घुसे चोर और सोफा तक लेकर के चला गया। सोफा कौन लेके जाता है, लेके जाता है कोई, आएगा तो टीवी लेके जाएगा, फ्रिज लेके जाएगा, मान लो टीवी फ्रिज तो महंगा होता है, सोफा क्यों लेके जाएगा, है ना। लेकिन डकैत घुसे और चोर मर क्या कहते हैं सोफा तक लेकर के चले गए, है ना, सब कुछ। इसलिए मत सोचिए कि भगवान दंड नहीं देते हैं, अरे मैं तो बहुत होशियार हूँ, प्रभु जी को बुड़बक बना करके ले आया देखो लेकिन ध्यान रखिए कि भगवान सब कुछ देखते हैं। चप्पल भी बहुत लोग चुराते हैं मंदिर में, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बड़ा इशू है। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान दंड नहीं देते, दंड देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पाप करेंगे और बच जाएंगे, सजा तो मिलेगी जी, यस उसको भी जब सजा मिलेगा, ध्यान रखिए। अब उस ऐसा नहीं है कि हम पाप करेंगे और बच जाएंगे, नहीं, सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मिलेगी तो जरूर। सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा हीरो बन गए हो,
बेईमानी करके चुरा करके, ध्यान रखें भगवान की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति, वैष्णव की संपत्ति चुरा लोगे, बचोगे नहीं, कभी नहीं बचोगे जीवन में, आप कभी नहीं, नेवर, है ना। इसीलिए अगर हम लोग मंदिर भी जावे ना तो ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे वहां पे देने की भावना हमारी अधिक हो, देने की भावना कम हो, है ना। जैसे हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो हमारी ये होना चाहिए कि भाई हम मंदिर में फ्री प्रसाद मिल रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम फ्री प्रसाद ले रहे हैं तो उनके प्रति उसके बदले कुछ मंदिर में हम सेवा दें, है ना। मंदिर में तो फ्री प्रसाद मिलता है, अभी हम लोग पटना गए थे, अन्य जगह गए तो फ्री प्रसाद था वहां पे, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि वहां पे मंदिर में कुछ पैसे दें, है ना। क्योंकि मंदिर कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सेंटर है, ये कैसे चल रहा है, भक्तों के सहयोग से चल रहा है, भक्त लोग कुछ कुछ सेवा भेज रहे हैं जिसकी वजह से चल पा रहे हैं, तो कहां से चलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मंदिर में जाएं, प्रसाद मिल रहा है ठीक है, लेकिन उसके बदले कुछ सेवा दे। अब इसका अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए, अरे मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मैं जाऊंगा मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। अब एक अलग स्थिति है ये, लेकिन ऐसा हमारा भाव होना चाहिए ठीक है, कि हम जा रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए कुछ करके जाए ठीक है। और कभी भी चुराना तो नहीं चाहिए, बेईमानी तो नहीं करना चाहिए। वैसे एक बात बता दूं आपको कि अगर कोई मंदिर में चोरी करता है, भगवान का कुछ सामान चोरी करता है, वह बनता है कीड़ा। क्या बनता है? कीड़ा, नाली का कीड़ा बनता है ठीक है। इसीलिए ओके, एक व्यक्ति कुछ दिन पहले हमारे एक डिवोटी के पास कुछ पैसा था, तो अपने ही सेंटर का कुछ पैसा था, तो उन्होंने बहुत कुछ पैसे थे, लेकिन उन्होंने उनसे मतलब वो साइबर क्राइम वालों ने उनसे ले लिया। तो मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने समझाया कि देखो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आप देखिए अगर आप करेंगे ना ये कृष्ण के पैसे, तो मुझे बोला कि कृष्ण आपको रखने के लिए दिए, हाँ कृष्ण ही रखने दिए और कृष्ण की सेवा में लगेगा। तो मैं बोला भाई देखो अगर लेते ना तो पिल्लू बनता है, ध्यान रखना। फिर वो बेचारा फोन काट दिया। फिर कुछ दिन के बाद सुना मैंने कि पैसे आ गए, बोले चलो अच्छा है ठीक है, माता जी टोल की आधा पैसे मिल गए, प्रभु जी बोले ठीक है चलो आधे तो मिल गए ना ठीक है ना। कभी नहीं बचोगे, कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि मंदिर की संपत्ति चुरा ली या संपत्ति भयंकर दंड। आपने पूछा ना चप्पल, प्रभु जी चप्पल वाला बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि वहां भक्ति करने के लिए लोग आए, अब किसी भक्त के चप्पल को लेकर के जा रहे हैं, उसे कितना कष्ट होगा, समझ रहे हैं, बहुत कष्टदायक है ठीक है। और यही नहीं मिलेगा, आगे भी इस व्यक्ति को दंड मिलेगा अगर, और अब इसका अपोजिट देखिए, ये तो चुरा लिया अब, लेकिन अगर आपने भगवान को कुछ दे दिया, भक्तों को कुछ दे दिया, ब्राह्मण को कुछ दे दिया, वैष्णवों को कुछ दे दिया, तो उसको भी भगवान कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं बोलते। एक एक चीज याद रख। यस आगे पढ़िए। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है, इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान ना केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। यस, ऐसा नहीं है कि हृदय में है और कुछ नहीं देखते, कुछ नियंत्रित नहीं कर रहे, हाँ ठीक है जो मन में आ रहा है साइड कर दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देख पा रहे, ध्यान रखिएगा भगवान हृदय में है, ऐसा नहीं कि बस हृदय में है और न्यूट्रल ठीक है जो करना है करने दो, तो क्या है। हाँ आपको इंस्ट्रक्ट तो नहीं कर रहे हैं अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह बैठे बैठे देख तो जरूर रहे ठीक है, वह अंदर बैठे और नियामक के रूप में आप जब भगवान के समय सामने जाए, डेली जब भी भगवान के सामने जाए या भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारी मति आपके चरणों में लगे, यही प्रार्थना करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो यह मति भगवान के चरणों जरूर लगे, जरूर लगे। यस। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे ना एक कहावत भी है ना, एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन कुक, हाँ एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक, समझ रहे हैं, हर व्यक्ति अपना सूप पी रहा है और कृष्ण ही रसोइया है, हर व्यक्ति ने जो कर्म किया है उसका फल उसे भुगवा रहे हैं भगवान, अच्छा किया बुरा किया फल भुगवा रहे हैं, अच्छा बुरा किया जो किया करवा रहे हैं,
ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई खराब कर्म नहीं किया है फिर भी देखो हमें कितना कष्ट आ रहा है, तूने खराब कर्म किए इसलिए सजा दिया जा रहा है, समझ रहे ना? यू हैव डन दैट, अभी आपको याद नहीं है लेकिन पहले आपने किया है। हो सकता है कि अब बोले प्रभु जी मुझे याद नहीं है फिर भी दिया जा रहा है, हो सकता है कि अगर आपको याद आ जाए तो इससे भी अधिक आपकी खराब स्थिति हो जाए, इसलिए भगवान की व्यवस्था से आपको याद नहीं आ रही है, समझ रहे हैं ना? तो भगवान ये सब व्यवस्था करते हैं। या फिर कोई हमें अच्छा चीज मिल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया और हमें नहीं मिला, नहीं, आपने अच्छा कार्य किया है तो मिल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति दान देता है जानते हैं तो वह बहुत अधिक मात्रा में, अब LIC वाले तो 10% 20% 50% ही रिटर्न करते होंगे, SBI वाले 5% 6% रिटर्न करते हैं, लेकिन भगवान उसको कितने टाइम मल्टीपल करके रिटर्न करते हैं कहना मुश्किल है, ठीक है ना? सभी को मिलता है और एकदम एग्जैक्ट देते हैं भगवान, एकदम एग्जैक्ट देते हैं। भगवान की बहुत बड़ी योग्यता है और कितनी बड़ी करुणा है कि सबके ऊपर कर्मानुसार एकदम एग्जैक्टली फल देते हैं। यस, वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतारों के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। मतलब जैसे भोगों की सुविधा दे रहे हैं वैसे ही मुक्ति की भी सुविधा भगवान दे रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है व्हाट यू वांट। यस, वैसे जो चॉइस पे भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते, ध्यान रखिएगा। चॉइस के ऊपर हस्तक्षेप तब करेंगे जब आप भगवान का प्रसाद खाइएगा, जब आप भगवान को प्रणाम करिएगा, जब आप भगवद गीता सुनिएगा, भागवतम सुनिएगा, भक्तों का एसोसिएशन लीजिएगा, तब आपके चॉइस पर भी हस्तक्षेप करेंगे भगवान, लेकिन फिर भी वहां पे फ्री छोड़ते हैं, वहां पे भी फ्री छोड़ते हैं। चॉइस पर कभी भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, ठीक है जो करना है कर, अभी तुझे तो ज्ञान दे ही दिया, अब तेरी मर्जी जो करना है तू कर। क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम जाना है या फिर भगवद गीता सुनने के लिए सेंटर पे जाना है, डिपेंड ऑन यू। अब जिस समय क्रिकेट खेलने जाते हैं उस समय पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करते समय भगवद गीता सुनते, डिपेंड ऑन यू, समझ रहे हैं ना? तो भगवान मुक्ति की व्यवस्था भी करते हैं। इस संबंध में चेतन चरितामृत में युक्ति आई है, माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृपा कोयले कैलो कृष्ण वेद पुराण। मतलब माया मुग्ध, हम लोग माया से मुग्ध जीव हैं और हमारे पास स्वतः कृष्ण का ज्ञान होना दैट इज नॉट पॉसिबल, तो कृष्ण ने कृपा किया और क्या दे दिया, कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने क्या दिया, अपना वेद और पुराण। सुने हैं ना आप इसको, हम लोग पहले भी चर्चा कर ली है, ये है। इसलिए कृष्ण कृपा करके पुराण और वेद के रूप में हमारे सामने, ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में परिणित हुए, ठीक है? तो कैसे एक बद्ध जीव भगवान को प्राप्त कर जाए कर पाएगा, इसकी व्याख्या में भागवतम में गीता जैसे शास्त्रों से प्राप्त होती है और इसको सुनना हमारा परम कर्तव्य है। परम मतलब क्या होता है कि जो नेसेसरी नहीं हो, जो ऑप्शन हो, उस ऑप्शनल हो, उसको परम कहा जाएगा, है ना? परम किसको कहा जाएगा, क्लियर होता है प्रभु जी? प्रायोरिटी में फर्स्ट होता है, प्रायोरिटी में फर्स्ट होता है, उसको परम कहा जा रहा है, परम आवश्यक है। यस, एटमोस्ट, है ना? समझ रहे हैं, ऑप्शन नहीं है, कर्तव्य है हमारा और ये परम कर्तव्य है। बच्चों का ध्यान रखना, पढ़ाना लिखाना खाना पिलाना वह है, लेकिन परम कर्तव्य क्या है, भागवतम सुनना, वेद सुनना, गीता सुनना, पढ़ना, ताकि हम समझ सकें कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम भगवान के पास पहुंच सकें। मान लो हम किसी घने जंगल में खो गए और हमको रास्ता नहीं पता, तो हमें डायरेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे तभी तो हम बाहर जा पाएंगे, है ना? डायरेक्शन कहाँ से पता होता है, वेद से। यह सारी बातें आप 16वें अध्याय में भी, नेक्स्ट हम लोग जब 16वां अध्याय जाएंगे तो वहां भी देखने वाले। आप अपने जीवन में देखिएगा कि जब हम भक्ति नहीं करते थे, जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हम वैसे जी रहे थे जैसे हमें जीने की इच्छा कर रहे थे, है ना? जो मिलता था खा लेते थे, जो पहनते थे पहन लेते थे, जब मन करता था तब उठते थे, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे उठाओ, है ना? दिन दिन भर सो के रहते थे और रात को जागरण करते थे, दिव्य जागरण,
समझ रहे हैं, तो मन में जो आता था वो करते थे, लेकिन इसे कहते स्वेर आचरण। क्या कहते हैं? स्वेर आचरण, जो स्वतः स्वेच्छा से किया, जो मन में आता था हम कर लेते थे। लेकिन अब जब हम भक्ति करने लगे हैं तो हमें पता चला है कि कैसे जीना चाहिए, भले मैं अच्छा नहीं लग रहा हो लेकिन फिर भी मैं करूंगा क्योंकि यह मेरे लिए अच्छा है। तपस्या किसी को जीवन में अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन फल होता है ना वो बहुत अच्छा होता है ना। किसी को तपस्या अच्छा नहीं लगता है लेकिन उसका फल तपस्या फल जबरदस्त होता है। IAS जो बनते हैं वो 18 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, तपस्या करते हैं ना, और उसके बाद जो फल मिलता है वो, अब वो कुछ फल थोड़ा ब्लैक करके भी रख लेते हैं जिसके वजह से बाद में उसको समन उमन दिया जाता है, जिसे अभी चल रहा है हमारे झारखंड में तो वो कुछ ज्यादा ही फल खा रहे हैं समझ रहे हैं तो प्राय आप देखेंगे है ना, मतलब भक्ति करने में, भक्ति करने से हमें पता चलता है अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं करूँगा, सुबह उठना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं उठूंगा क्योंकि मेरे लिए अच्छा है। प्राय आप देखेंगे कलयुग के लोग सवेरे उठना अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता ना हम लोगों को सवेरे उठना अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लगता होगा, हर्ष लगता है। ठंडी में तो आप उठ जाते थे, गर्मी में नहीं उठ पाते। लेकिन आप जानते हैं महाभारत में बताया गया है कि जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद उठता है उसकी उम्र कम होती जाती है। यस, इसीलिए हमें सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए अगर अधिक दिन जीना चाहते हैं तो, है ना। अब जब वो शास्त्र सुनेगा तब वो ऐसी बातें सुनेगा तो वह सवेरे उठने का प्रयास करेगा। अब मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसे ही हम शास्त्र का अनुसार, ये भी एक चीज ध्यान देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही हम शास्त्र के अनुसार जीना शुरू करते हैं वहीं से हमारी मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। सेम टाइम स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हैं? जब से हम शास्त्र के अनुसार जीना शुरू करते हैं उसी दिन से हमारी मुक्ति शुरू। बातें बहुत आसान लग सकती है, शास्त्र के अनुसार है और जब हम उसको सुनते हैं तो हम करते हैं और जब हम करते हैं तो उसका लाभ हमको प्राप्त होता है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? पुनः रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन से हम अपना जीवन शास्त्रोचित कर लिए, शास्त्र के अनुसार जीना शुरू करते हैं उस दिन से हमारी मुक्ति शुरू। जंगल में फंसे हैं, सही दिशा में जिस दिन से व्यक्ति चलना शुरू कर दिया उस दिन से बाहर निकलने की ओर वह निकल पड़ा, है ना, बाहर निकल जाए। भले ही जंगल में है अभी लेकिन दिशा सही पकड़, ठीक है, और हमें यह अपने तरफ से नहीं मालूम चलता। कैसे पता चलता है? वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है। समझ रहे बात को? यस। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। तो यही बात मैं बोल रहा था कि आप भागवतम पढ़ लीजिए, वेदांत सूत्र का ज्ञान आपको अपने आप ही, ठीक है। यस। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं, वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं, इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण प्रद तथा सर्व दयामय हैं। यानी कि भोग की सुविधा भी दे रहे हैं और वह भी ज्ञान दे रहे हैं कि जीव किससे मुक्त हो सके। यस। अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम, जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यस, ये बहुत सुंदर है। आप बता सकते हैं कि आपके पिछले जन्म के पति कैसे थे? यश हर्ष बता सकता है, हाँ पहना है, थोड़ा देखो कब जन्म हुआ है, अभी जन्म कब हुआ, कौन सी साल, 2009 में, 2009 में हुआ है तो बच्चे है अभी। आप तो बता सकते हैं कि आपके पिछले जन्म में कौन कौन लोग आपके साथ थे, 10 साल पहले की बात होगी, 11 साल पहले की बात होगी, बता सकते हैं कुछ याद है? देखो थोड़ा फोर्स डालो माथे पे, हाँ
क्या बोल रहे हो? मैं खाली बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। आपके पिछले जन्म के बच्चे कैसे हैं, पति कैसे हैं, पत्नी कैसे हैं, रिलेटिव्स कैसे हैं। अब हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे भी बड़े हो गए हो अभी और आसपास ही घूम रहे हो, है ना अर्श? मैं बातें बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले जन्म में हमारे पति पत्नी बच्चे सब तो होंगे ही ना। अब अलग बात है कि अगर ब्रह्मचारी होंगे तब तो नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं होंगे तब तो होगा ही। अच्छा अच्छा करेंगे तो कुछ भी थे हम। अब देखिए मैं खाली, मेरा पॉइंट क्या है, क्या हम उस जीवन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं, बच्चों में परिवार में फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं थे? ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा पति, चाचा, मामा, काका, काकी, एब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे? अब बताइए वह लोग जिसके प्रति आप 24 घंटा जिसके लिए सेवा कर रहे होंगे, अब वह आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? हाँ, अगर आपके सामने वह तड़प रहा होगा ना तो आप उसको पानी भी नहीं देने जाएंगे। बोलो, देने जाएंगे? नहीं देने जाएंगे ना, पता ही नहीं, आई डोंट नो हु इज ही। और जबकि पिछले जन्म में मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं, और अभी वो तड़प रहा है, मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसे मतलब नहीं दे सकते, समझ रहे? अब देखिए मेरी जन्म की बात करिए, 91 में, अब 90 की मुझे कुछ भी पता नहीं है, कब मरा होगा, 90 ज्यादा से ज्यादा 88 में मरा होगा, पहले क्या मरा होगा, है ना? एक बहुत सुंदर मेडिटेशन है, कभी कभी विचार करना चाहिए। आपके जन्म के एक साल पहले का आपको कुछ भी याद नहीं है ना, समझ रहे ना कितना अमेजिंग है, एक साल पहले का कुछ नहीं याद है। हम बहुत महत्वपूर्ण दे रहे थे, हम बहुत वैल्यू दे रहे थे, अगर हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो उसकी शादी होगी नहीं, हमारा पूरा रिश्ता टूट जाएगा, उससे रिश्ता टूट गया है, अब वह सामने यही है हमारा, लेकिन हमें उसके कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? मेडिटेशन, आपका जन्म कब हुआ? 2000 में, अभी तो बहुत बच्चे हैं, ओके, खाली बड़े हो गए है ना। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि 2000 में 1999 की बात है, कुछ बता सकते हैं कहाँ थे आप? समझ रहे हैं? कोई वैल्यू नहीं है, सारे कुछ होंगे आपके लेकिन आप कुछ नहीं बता सकते, नथिंग। वैसे ही इस जन्म में भी हम, उस जन्म में हमारे लिए बहुत जरूरी था विवाह करना, बच्चे, रिलेटिव्स, अब सेम चीज हम जन्म में भी कर रहे हैं, विवाह तो बहुत जरूरी है, नहीं होगा, अरे विवाह हो गया अब तो बच्चे तो होने ही चाहिए, बिना बच्चे का समाज क्या कहेगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, करियर तो होना ही चाहिए, करियर पिछले जन्म में भी बनाए होंगे, पता नहीं कौन सा इंजीनियर होंगे, इंजीनियर होंगे तभी तो फिर इस बार इंजीनियरिंग में जा रहा है ना रुचि, वही जाप बड़े हैं ना, तो समझ रहे हैं कौन सा इंजीनियर होंगे पता नहीं, लेकिन इंजीनियर तो थे, समझ रहे हैं? अब आपके पुरानी वाली कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी, वो नहीं देने वाली है, समझ रहे हैं? करियर हम बना रहे हैं, उतना ही व्यस्त उस जीवन में भी थे हम और इतना ही व्यस्त इस जीवन में भी, ना पूर्व जीवन में व्यस्त थे उतना इस जन्म, फिर भी क्या पुरस्कार मिला आपको पूर्व जन्म में? यह शरीर जो से भरा हुआ है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना वह जानता है कि यह मेरा जीवन एकमात्र जीवन नहीं है, और ना जाने कितने जीवन मैंने ऐसे ही गंवा दिए हैं, भोगों को समर्पित कर दिया है, अतः अब यह जीवन हमें कम से कम भगवान को समर्पित कर, जिसको यह बुद्धि हो जाती है ना वो वाकई बहुत, पर जिसको नहीं है ना क्या किया जा सकता, बार बार बोलने पर भी जिसको नहीं आती है ना ये बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। यस, यद्यपि जीव भूल जाता है लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। Yes, इंजीनियरिंग अधूरा रह गया होगा इसलिए इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। जो इच्छाएं पिछले जन्म में रह गई थी अब उसे इस जन्म में पूरी, इसलिए यह सब इच्छा नहीं करनी चाहिए। अरे
काश मेरे बाल होते, काश मैं हैंडसम होता, काश मैं थोड़ा लंबा होता, क्योंकि अगर इस जन्म में पूर्ण नहीं हुआ ये सारी इच्छाएं तो फिर इसको पूर्ण करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़े, है ना। तो जो भक्ति करता है वह तृप्त होता है, लेकिन भक्ति करने से तृप्ति, भक्ति में तृप्ति महसूस नहीं करनी चाहिए। चार माला कर रहा हूं बस चार माला नहीं, अब उसको बढ़ाना चाहिए, छह माला, आठ माला, सोलह माला बढ़ाना चाहिए। काश मेरी भक्ति में रुचि होती, काश में भागवतम में रुचि होती, है ना। तो इस प्रकार करने से काश मुझे भगवत प्रेम हो जाता, इस प्रकार की काश ठीक है, ठीक है, भगवान की प्रति काश ठीक है, लेकिन काश में थोड़ा लंबा हो जाता, काश में थोड़ा गोरा हो जाता, काश में स्मार्ट हो जाता, काश में हैंडसम हो जाता, तो यह सारी चीजें ठीक नहीं है। ये दोबारा ये बात दिख करेगी आपको किस चीज के लिए, आपके दोबारा शरीर प्राप्ति के। यस, अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यस, भोग की व्यवस्था और मुक्ति की व्यवस्था भगवान ही करते हैं। यस, यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यूपी स सर्वेर वेदेर गीयते। समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भगवान जानते हैं कि जो माया से मुक्त जीव है, जो माया से बंधे हुए जीव है, जब तक वह वेद की वाणी नहीं सुनेगा, समझ रहे हैं, जब तक वह वेद की वाणी नहीं सुनेगा तब तक वह भगवान को समझ ही नहीं सकता। और जब मेरे बारे में उसको, जब तक मेरे बारे में उसको समझाएगा नहीं तब तक वह मेरी पूजा करेगा। समझ रहे हैं? जब तक वह मेरे विषय में जानेगा नहीं। बहुत सुंदर बात है, समझने की पड़ी, बहुत गंभीर बात है। भगवान जानते हैं कि जो माया से बद्ध जीव है, जब तक वह वेद की वाणी सुनेगा नहीं तब तक वह मुझे समझेगा नहीं, और जब तक मेरे बारे में उसे समझ नहीं आएगी तब तक वह मेरी पूजा करेगा नहीं, और जब तक वह मेरी पूजा करेगा नहीं तो फिर मुक्त कैसे हो। मैंने महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान वैष्णवों के, ब्राह्मणों के, भक्तों के अधीन है। अधीन है मतलब कंट्रोल में है। अब यह कैसे हो गया, भगवान किसी के कंट्रोल में कैसे हो गए, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। आपको लगता होगा कि भगवान वैष्णवों के, भक्तों के अधीन, यस, ये बहुत आश्चर्य बात है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिए। जब तक वैष्णव भक्त लोग भगवान के बारे में ना बताएं, तो क्या लोग भगवान की पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो भगवान तो सर्वदा पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पूजा तभी होगी उनकी जब भक्त लोग भगवान के विषय में बताएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरे को देता है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसलिए हम सबको दूसरों को देना चाहिए, है ना। समझ रहे ना? तो भगवान किस प्रकार से अधीन है? भगवान तो आके बताएंगे नहीं, किस प्रकार से भक्तों के अधीन है, क्योंकि भगवान आकर के अपने बारे में बताएंगे नहीं, लेकिन भक्त जब बताएंगे भगवान के बारे में किसी को, तभी भगवान की पूजा शुरू होगी। इसलिए भगवान भक्त के अधीन। बहुत सुंदर बात, यानी कि लोगों को वेदों को समझने की आवश्यकता है, वह भगवान के बारे में समझ सके और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके भगवान के पास जा सके। इसीलिए क्या करना चाहिए? अगर सुनेंगे नहीं तो फिर भगवान की भक्ति करेंगे नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक भगवान के विषय में जानना चाहिए। यस, चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कृति का गान है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वह अंधा है। यस, उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश करते हैं, निर्देश देते हैं, जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र
1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तत्त्वतो समन्वयात्। मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। अब यहां से इसको समझने का प्रयास करिए। यस पढ़िए। जी प्रभु। मनुष्य तीन वैदिक साहित्य। नेक्स्ट लाइन। जी प्रभु जी। मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है, वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। समझिए इसको, महाप्रभु एक कथा सुनाते हैं और इसको शेयर करते हैं। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास सर्वज्ञ नाम का एक ज्योतिष आया। कौन आया? सर्वज्ञ मतलब भगवान, लेकिन यहाँ पे नाम है सर्वज्ञ, है ना। तो वो आए और कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे पिता बहुत पैसे वाले थे लेकिन वह मर गए और तुम्हारे लिए बहुत सारे धन छोड़ करके गए। फिर ज्योतिष ने कहा कि तुम जाओ और मंदिर के पास धन रखा हुआ है, अब जाओ और उत्तर दिशा में खोदोगे एक जिन प्रकट होगा, यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो वहां पर एक सर्व बैठा है ना, अगर तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे बहुत सारे मधुमक्खी है, यानी कि तुम केवल पूरब दिशा की ओर। अब देखिए इसको समझ, दक्षिण दिशा में खोदोगे तो वहां पर कौन बैठा है? सर्व। और क्या कहते हैं पहला कौन? उत्तर दिशा में खोदोगे तो क्या प्रकट होगा? जिन। मतलब अगर तुम वेदों का वेदों में तुम अगर अष्टांग योग करोगे तुम्हें सिद्धियां आ जाएगी और उससे तुम प्रवाद हो जाए, और तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो वहां पर क्या बैठा है? सर्प बैठा है, काल सा वह खा जाएगा। कोई अनम्यूटेड है? देखिए कौन अनम्यूटेड है, हु इज अनम्यूटेड प्लीज। यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो वहां पर एक सर्प बैठा है, काल सा वह खा जाएगा। मतलब जो लोग कहते हैं भगवान निराकार है, निर्विशेष है, ऐसी ज्ञान मिल जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, खा जाएगा। अगर पश्चिम दिशा में खोजोगे तो बहुत सारी मधुमक्खियां मिलेगी, मतलब कर्म कांड का मार्ग में फंस जाएगा व्यक्ति, इधर से ये उधर से ये मिलेगा। यानी कि केवल सुन लेने मात्र से मेरे पिता ने धन छोड़ा है व्यक्ति खुश हो सकता है, लेकिन धन प्राप्त उसे नहीं हुआ। सुना, देखिए इसको समझिए, तो जब उसने सुना कि मैंने कि मेरे पिता ने मुझे धन छोड़ा है तो इसे क्या कहते हैं? संबंध ज्ञान। क्या कहते हैं? संबंध ज्ञान। अब देखिए मैं यात्मा हूं और मैं आत्मा हूं और भगवान कृष्ण का हूं, भगवान के पास जा सकता हूं, यह सारी बातों को कहते हैं संबंध ज्ञान। समझ रहे हैं? मेरे पिता ने मेरे लिए धन छोड़ा है और मैं धन को ले सकता हूं, इसे क्या कहेंगे? संबंध। मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण के पास जा सकता हूं, इसे क्या कहेंगे? संबंध ज्ञान। अब हमें उस धन को प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हैं? अब ये सारी चीजें तो हमने सुन लिया कि मैं वहां धन है, मैं कृष्ण का हूं, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं है अभी तक, है ना। बिना केवल सुनकर ही खुश नहीं हो जाएंगे, खुश तो हो गए लेकिन मिला नहीं है। अब हमें कुछ करना होगा जिससे प्राप्त हो, तो कहते हैं कि पूर्व दिशा में थोड़ा सा भी खोदोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मतलब यह है भक्ति मार्ग, अगर थोड़ी सी भी भक्ति करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब इसमें कोई तपस्या नहीं है, बस भगवान की सेवा करनी है और तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। इसे कहते हैं अभी थे। तो ध्यान रखिएगा, संबंध ज्ञान, क्या क्या बताया? संबंध ज्ञान और अभिधेय, और क्या बताए? हाँ, ये दो चीज बताया ना। यस, संबंध ज्ञान और अभिधेय। संबंध ज्ञान क्या हो गया? अपने संबंध के विषय में जानना, और अभिधेय हो गया जिस चीज को हम लोग करके वहां पे पहुंच, ठीक है। अभिधेय मतलब जो सुना उसको प्राप्ति करने के लिए जो किया उसको क्या कहेंगे? अभिधेय। और इस भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त करनी है? कृष्ण और कृष्ण की भक्ति, यह हो गया प्रयोजन।
ठीक है, क्या क्या सुना, संबंध ज्ञान, अभिदय और परियोज, तीनों चीज क्लियर हो गया, मैं कल पूछूंगा। समझ रहे हैं, जीव अपने संबंध को समझे कि मैं कृष्ण का हूं, मैं भारतीय अमेरिकन अथवा देवघरियन नहीं हूं, मैं किसका हूं, कृष्ण का हूं, ठीक है, और भगवान की चरणों की प्राप्ति मुझे करनी है, ठीक है, और भगवान की चरणों की प्राप्ति करने के लिए भक्ति रूपी अभिदय को स्वीकार करनी है। तो यह सब भगवान वेद भागवत के द्वारा समझाते हैं, जिसके ठीक है। हरे कृष्ण। अब इसके बाद बहुत सुंदर थीम चेंज होगी, बहुत सुंदर वेदांत का ज्ञान, बहुत सुंदर, पूरे वेदांत का सार केवल 3 श्लोक में भगवान देंगे, और झूठ नहीं बोल रहे हैं, वाकई 3 श्लोकीय वेदांत आप कह सकते हैं, 3 श्लोकीय वेदांत, पूरे वेदांत ज्ञान भगवान प्रस्तुत करेंगे, और भगवान स्वयं प्रस्तुत हम लोग कल देखेंगे, ओके। हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न है प्रभु जी, तो क्या मेरे घर के अगर गलती से किसी और का चप्पल ले लिया, अब वह भी चोरी है, डाल दो वहां पे जाकर के, 6 साल पहले 5 का सिक्का लिए थे प्रभु जी, वो भी हनुमान जी से पूछ के, ठीक है डाल दो ले जाके उसे, 5 लिया था 500 डालो, 5000 डालो। प्रभु जी भगवान बुद्ध ने, क्योंकि उस समय कुछ लोग वेदों का गलत अर्थ निकाल रहे थे, इसलिए भगवान वेद ने बोला कि वेदों को मत मान, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गुरु प्रमाण दे। क्लियर है, कोई प्रश्न है? नो, यस, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, भक्ति हम नहीं कर रहे हैं, भक्ति करना तो हमारा मूल कर्तव्य ही है, ठीक है, और अगर भक्ति बोल रहे हैं आपको भक्ति करने के लिए, तब तो अब एकदम सोच लीजिए कि भगवान ही यह आदेश उनके मुख से हमें दिला रहे हैं, उसमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हमारी भोग की इच्छा है, इसीलिए हम भक्ति की ओर जा नहीं पा रहे, अगर थोड़ी सी भी इच्छा कर देंगे हम कृष्ण की ओर जाने के लिए, कृष्ण लेकर के चले, ठीक है। ये बात हमेशा इसको ध्यान पूर्वक सुनिए कि कोई वैष्णव कोई भक्त अगर बोल रहा है हमें कि हमें भक्ति करनी है, क्या कर रहे हो, क्यों जीवन वेस्ट कर रहे हो, भक्ति करो, या किसका आदेश है, या वैष्णव नहीं या भक्ति, ये सीधे भगवान का आदेश है। अब देखिए उसने बोला है वो करे या ना करे, थोड़े दिन के बाद करेगा, लेकिन भगवान तो भक्ति उससे कराएंगे ही, ठीक है, कराएंगे, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, क्लियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।